गाइज, आपका वैशाली व्लॉग में स्वागत है। आप कैसे हो? ठीक ही होंगे? मैं भी अच्छी हूँ। गाइज, आज बहुत बिजी दिन था। मैंने भी ये सारे कपड़ों पे प्रेस करके रखी हुई है, और उसके बाद ये मेरा बेटा देखो गिर गया। ये देखो कितनी चोट आई है इसको, इसकी आंख बच गई है। बहुत ज़्यादा चोट आई है इसको, और इसकी आंख बच गई, और इसके इसके नाक पे भाई ने, दोनों की बहुत लड़ाइयाँ होती है तो मार पिटाइयाँ होती है। अब ये रो रहा था, बड़ी मुश्किल से ये छुपवाया गाइज, बड़ा परेशान था। और दूसरे वाला बेटा, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपको मैंने अपने पहली वीडियो में बताया था। उसको भी डॉक्टर के लेके गई थी मैं, उसको बार मतलब बुखार आ रहा था, पहले उसको उल्टी लग रही थी, इसको भी लग रही थी। हाँ ठीक है, बाजा दिखाना है, बाजार भी चलना है। हाँ चलेंगे। और ये ढोल हमारे यहाँ बैंकेट हॉल है गाइज, तो उसमें ना शादी की बारात जाती जाती है। अभी उनको दूर से ही आवाज़ आ गई है ढोल की और डीजे की, तो कब से जिद लगाए बैठे हुए हैं कि हमें दिखाओ हमें दिखाओ। हम देखेंगे ऐसे छज्जे पे ही खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। और उसके बाद मुझे आज शाम को मार्केट भी जाना है, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं जो मैं इसको साथ में लेके जाऊंगी। तो आप बने रहिए ब्लॉक में। आपको ढोल बहुत अच्छा लगा? आप किसकी शादी में डांस करोगे बताओ मुझे? आज हमारी शादी डांस, आयुष मामा की शादी में डांस करोगे? गाइस, इसका मामा है आयुष, और अभी उसकी भाई मेरे भाई की शादी नहीं हुई है, और ये बोलता है कि जब भी कोई बारात आती है कि आयुष मामा की शादी में मैं डांस करूँगा। कैसे करोगे? वो कुछ भी करेगा, ऐसे घोड़े पे बैठोगे? हाँ। कहीं पे बैठोगे? घोड़े पे बैठोगे? चलो दिखाओ, चलो दिखाओ। अब तो वो गया बेटा, अभी फिर बाद में दिखाएंगे, ठीक है? ये देखो मेरा बेटा आ गया है देखने के लिए। बताओ क्या देखोगे आप? ढोल देखोगे? दिखाओ दिखाओ। और डांसिंग कैसे करोगे बताओ? अभी तो बहुत दूर है, अभी तो मुझे भी आवाज़ नहीं ढंग से आ रही है। डांस भी करोगे? हाँ। अच्छा डांस करके दिखाओ फिर, कैसे करोगे? ऐसे करोगे? तो गाइस मैं इसको दिखा देती हूँ, अब देखो जीव मत निकालो, आप बने रहिए। Few moments later. हेलो गाइज, आप कैसे हो? आपका वैशाली ब्लॉग में स्वागत है।
गाइस मैं मार्केट जाने के लिए रेडी हूँ। और मैं मार्केट जा रही हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल गिर गया और वो उसका टेम्पर टूट गया है। टेम्पर जुड़वाना है मुझे और अपने दोनों बच्चों के लिए भी थोड़ी शॉपिंग करनी है और मुझे समर्थ के लिए भी कुछ सरप्राइज लेकर आना है मार्केट से। आज मैं दोनों बच्चों के लिए छोटे छोटे बैग लेके आऊँगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। और मुझे टेम्पर भी चढ़वाना है, पता नहीं कितने पे चढ़ेगा, और उसके ऊपर दूसरा कवर भी लगवाना है। सब अपना अपना हिसाब देखते हैं कितने का चढ़ेगा क्या चढ़ेगा, अभी मुझे कुछ मालूम नहीं है। और साथ में समर्थ और मेरा छोटा बेटा जा रहे हैं साथ में, तो चलो फिर बने रहिए व्लॉग में, जाते हैं हम। ये देखो गाइस हमने टेम्पर चढ़ा लिया है। हम मार्केट के लिए निकल चुके हैं समर्थ और मैं, और मेरा दूसरा बेटा रो रहा है। उसको नानी उसको घुमाने के लिए ले गई है और वो भी आ रहा होगा। गाइस मैं मार्केट से आ गई हूँ और बहुत थक गई हूँ। ये देखो ये मैं अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे बैग लेकर आई हूँ दोनों बच्चों के लिए। देखो कैसे लग रहे हैं, पानी पीना है। ये और समर्थ के लिए मैं ये देखो टी शर्ट लेके आई हूँ। ये देखो कैसी लग रही है मुझे बताना। और एक इस कलर में लेके आई हूँ गाइस। ये देखो समर्थ कैसी लग रही है, मुझे तो अच्छी लग रही है गाइस। अगर आपको टी शर्ट अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना कि समर्थ की टी शर्ट अच्छी लगी है। और ये देखो मेरा बेटा, इसकी दो दिन से तबीयत फिर से ख़राब हो गई है। पहले इसको लूज मोशन लग रहे थे और बुखार हो गया है। इसको भी कल को लेके डॉक्टर के जाना है मुझे, क्योंकि इसका बुखार, अभी घर में जो दवाई थी मैंने वो दे दी थी, लेकिन अभी देखते हैं डॉक्टर एंटीबायोटिक देगा उसको दवाई, उसी से ही इसका उतरेगा। इसको भी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है गाइस। और अब मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ और उसके बाद बने रहिए ब्लॉग में, आपसे मिलते हैं बाद में। हेलो गाइस, देखो मैंने सब्जी की तैयारी कर ली है। ये मैंने प्याज टमाटर हल्दी धनिया और लहसुन का पेस्ट बना के रख लिया है। और ये मैंने पनीर बना लिया, क्योंकि मैं पनीर की सब्जी बनाने जा रही हूँ। यहाँ मैंने ये आटा मथ के रख दिया है, इसमें बस मुट्ठी मारनी बाकी है, वो जब मैं फुलके बनाऊँगी तब करूँगी। और अब मैं सब्जी की तैयारी करने जा रही हूँ। सब्जी में मैंने घी डाल दिया है और उसके बाद अब मैं प्याज इसमें डालूँगी।